कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण देश के कई राज्यों और इलाकों में लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन लगने से कई तरह के पाबंदियों के कारण टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्जेस में 10-15% तक की कमी आती है। दरअसल लॉकडाउन लगने से फिजिकल रिचार्जेस कम होते हैं, ग्राहक ज्यादातर डिजिटल रिचार्जेस ही करते हैं। इसी कारणवश टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्जेस में 10-15% तक की कमी आती है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट प्रीपेड रिचार्जेस पर पड़ता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में टेलीकॉम ग्राहक प्रीपेड सिम का ही उपयोग करते हैं। लॉकडाउन और कोविड रेस्ट्रिक्शंस में ऑफलाइन रिटेल शॉप्स बंद रहती हैं, जिस कारणवश रिचार्जेस में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पिछले साल भी जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, तब ऑफलाइन रिचार्जेस लगभग ना के बराबर हो रही थी। इस साल भी टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्जेस में वही हाल है। टेलीकॉम कंपनियों के फिजिकल रिचार्जेस में भारी मात्रा में कमी हुई है, जिस कारणवश टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू कम होता है। चूंकि वर्तमान समय में टेलीकॉम कंपनियां डिजिटल सिम और डिजिटल रिचार्जेस की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है, इसी कारणवश ग्राहकों को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। लॉकडाउन होने से सिम की बिक्री में भी प्रभाव पड़ता है, सिम कार्ड्स की बिक्री भी काफी कम होती है, जिस कारणवश नए ग्राहक जुड़ने में भी कमी आती है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, वहीं राजस्थान में 15 दिन का लॉकडाउन, वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा है। बहरहाल लॉकडाउन लगने के कारण टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्जेस में 15-20% तक की कमी आती है। साथ ही साथ नए सिम की बिक्री न होने के कारण कम मात्रा में ग्राहक भी जुड़ते हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।